जनपद सिद्धार्थनगर में ऐतिहासिक स्थल भारत भारी में कार्तिक पूर्णिमा का मेला आज से शुरू हो गया है। 7 दिनों तक चलने वाले इस मेले का उद्घाटन डुमरियागंज विधायक राघविंदर प्रताप सिंह ने किया। इस मौके पर डीएम दीपक मीणा और एसपी विजय ढुंड समेत भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। चालू हो गया जो 17 तारीख तक चलेगा और व्यवस्था जैसे आप देखेंगे पिछले साल से अभी टूरिज्म का भी कुछ पैसा आया था जिसमें पक्के घाट और पेमेंट बनाए गए, कुछ काम बचा हुआ है अभी हॉर्टिकल्चर का, ये वो भी हो जाएगा। मेले में जो साफ सफाई व्यवस्था भी है वो भी निर्देश दिए गए हैं, अगर थोड़ी कमी भी है तो बताया गया है कि, और जैसा विधायक जी ने भी कहा कि साफ सफाई की व्यवस्था मेंटेन रखें, और जैसा विधायक जी ने भी बोला है कि आपके 11 तारीख से आरती भी यहाँ पे महाआरती हर सोमवार को चालू हो जाएगी, तो ये व्यवस्थाएँ की गई हैं। कुछ पैसा यहाँ पे मेला कमेटी में है जिसकी हम लोग प्लानिंग भी कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आने वाले 1-1.5 महीने में उस पैसे का सदुपयोग करके जो भी यहाँ की ज़रूरत है मेला के लोकल लोगों की जो डिमांड है उसको किया जाए। देखिए हमारे यहाँ एक परंपराएं रहीं, हर मंदिर पर कुछ तिथियां निर्धारित थी अलग अलग मान्यताओं के कारण, और इसीलिए मेला लगाया जाता था कि उसी बहाने मंदिर पे लोगों का आवागमन होगा, क्षेत्र में एक दूसरों का मिलन होगा, और मिलन के बहाने आपसी सौहार्द वातावरण बना रहेगा। तो कार्तिक पूर्णिमा पर लगता ही लगता है स्नान पर, तो जैसे हमारे यहाँ कार्तिक पूर्णिमा का अपने आप में बहुत महत्व है, सभी नदियाँ सभी सरोवर सभी प्रमुख मंदिरों पर इस तरीके के मेले के आयोजन होते रहे।